यमुनानगर में देर रात आई बरसात के कारण अनाज मंडी में खुले आसमान में पड़ा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे भीगता हुआ ये हजारों क्विंटल गेहूं जो किसानों की कड़ी मेहनत के बाद यहां तक लाया गया था, इनमें से कुछ गेहूं ऐसा था जो किसानों से खरीदा गया था। वहीं बरसात के बाद मंडी मजदूर अनाज की बोरियों पर तिरपाल ढकते नजर आए। मजदूरों के अनुसार जो तिरपाल अनाज को ढकने के लिए दिया गया उनमें से ज्यादातर तिरपाल फटे हुए थे। तिरपाल ढक दिया है, थोड़ा इधर उधर फटा हुआ है, वो नीचे से पानी घुस गया है। ये सारी की सारी खाली पड़ी है, बिना तिरपाल के पड़ी गेहूं। खाना खाने चले गए, वो रोटी खाने के चले गए थे, आगे से तो इसने बारिश आ गया जी। हम जो बाबू जी बोलेगा तिरपाल ढकने लिए तो देगा बाबू जी तो ढक देंगे, और अगर नहीं है तिरपाल तो नहीं है तो ऐसे खुला रहेगा जी, तो ये बारिश में सारा खराब नहीं हो जाएगा? खराब हो जाएगा बाबू जी बोलेगा जी। अगर हम कैसे हवा तेज आ गया, काम कर रहे थे इतना हवा तेज आ गया, संभाल नहीं पाए तिरपाल ना, बारिश में ज्यादा भीग जाए तबियत खराब हो जाए। शेड में क्यों नहीं रख पाए? शेड में जगह नहीं है ना, जगह रहता तो शेड में भी रख। इधर भी सारा खाली पड़ा है बिना तिरपाल के, पीछे देखो जितना तिरपाल था तो हमारे पास उतना तिरपाल से हम लोग। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा दो दिन पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी प्रशासन की ओर से अनाज को ढकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आए, जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।